हां गुड इवनिंग एवरीवन हाँ हां जी गुड इवनिंग सभी को गुड इवनिंग हां जी प्रेज़ द लॉर्ड जैम की सब को हां जी कैसे हो आप सब हाँ जी फाइन हाँ जी गुड इवनिंग जी गुड इवनिंग सबको हां जी जैम सी की जी जैम सी की सबको गुड इवनिंग जी हाँ जी फाइन हूं मैं आप सुनाइए ठंड कैसी लग रही है देखो ठंड ने भी आना है गर्मी ने भी आना है ठीक है जब गर्मी थी तो सभी कह रहे थे कि ठंड आनी चाहिए ठंड आ गई सब मजबूरी से बोलो अच्छी है पॉलिटी कैसे चल रही है पॉलिटी सीख रहे हैं दिनों दिन हर टाइम हर समय बिल्कुल सही है हाँ जी जोबनप्रीत आप सही कह रहे हैं कौन सी क्लास का एग्जाम है आपका हां जी तमन्ना आपका कौन सा एग्जाम है हाँ जी गुड इवनिंग जी हाँ जी तमन्ना मैं आपसे पूछ रहा हूँ मंडे को ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम है या और कोई एग्ज़ाम है पॉलिटिकल साइंस का <coughs> हाँ जी आज हम चैप्टर पढ़ेंगे नेशनल डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एन डी एम ए हाँ जी गुड इवनिंग जी हाँ जी ये सिक्सटी थर्ड चैप्टर है नई बुक पे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हाँ जी गुजरात में अर्थक्वेक आया था 2001 में ठीक है उस दिन 26 जनवरी आई थिंक 26 जनवरी जी तो बहुत नुकसान हुआ वहाँ पे गुजरात पे एक एरिया बुज भुज में क्या हुआ एक बच्चे किसी स्कूल में प्रेयर कर रहे थे मॉर्निंग असेंबली हो रही थी स्कूल में सने टीचर और बच्चे आज तक नहीं मिले मतलब धरती के अंदर चले गए वो अर्थक्वेक की वजह से ठीक है <coughs> तो 20-25 किलोमीटर नीचे चले गए धरती में नीचे दब गए एक्स की वजह से तो मेरा आपसे क्वेश्चन है एक ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है कि ये में ही क्यों आया ठीक है उस समय मैं भी कॉलेज पढ़ता था 2001 में ठीक है तो हमें तो कोई झटका नहीं लगा इसका क्या कारण रहा ठीक है मतलब बुझ में ही क्यों आया यर्थ को जस्ट आई वॉन्ट टू नो दिस फ्रॉम यू 汉字。 चलो सभी के आंसर सही आ रहे हैं लेकिन एग्जैक्ट आंसर किसी का भी नहीं आया ठीक है <coughs> एग्जैक्ट क्या है कि धरती भुज में पंचर है ठीक है आप सोचते होंगे शायद कितने साइकिल की ट्यूब और मोटरसाइकिल की ट्यूब और कार की ट्यूब ही पंचर होती है जी नहीं धरती भी पंचर होती है बुज में धरती पंचर है जितनी भी इनकी कोर है कोर से बहुत सारी एनर्जी जहां से कोई चीज पंचर होती है तो वहां से एनर्जी बाहर आती है एकदम ट्यूब पंचर हो जाए तो आपने देखता होगा वहां से हवा निकलती है बहुत जोर से हवा निकलती है ठीक है हाँ जी आप मेरी बात समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। <coughs> इसलिए गुजरात में बहुत नुकसान हुआ लेकिन मोदी जी का फायदा हुआ ठीक है आप सोचते होंगे सर क्या कह रहे हैं अर्थ को एक आने से मोदी जी का क्या फायदा हो गया ठीक है जी सही आज मोदी पीएम है तो वो इस अर्थ को एक की वजह से है ठीक है मेरे मुताबिक आप सोचते होंगे ये तो बड़ी सस्पेंस वाली बात है ठीक है ये तो सभी लोग सोचते होंगे कि अर्थ को एक् चाहिए और जितने भी वहां के लोकल लोग हैं वो पीएम बन जाएंगे सारे हाँ जी पूजा आपको पता है आप गुजरात से तो नहीं हो ओके okay. <coughs> मैं आप मोदी जी के पड़ोसी हूं चलो जब अर्थक्वेक आया okay, सहारनपुर ओके फाइन हाँ जी जब ये अर्थक्वेक आया तो मोदी जी ने बहुत काम किया अर्थक्वेक आने के बाद लोगों के रिहेबिलिटेशन के लिए ठीक है तो वहां से मोदी जी हीरो बने उस रिहेबिलिटेशन के काम से दिन रात 24 घंटे इन्होंने अपने लोगों को लेकर अपने जो भी सेवकों को लेकर इन्होंने बहुत दिन रात काम किया ठीक है और मोदी जी का कहते हैं कि काम बहुत मतलब टायरलेसली दे वर्क फॉर द वेलफेयर एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ द तो गुजराती पीपल एंड दे तो उसके बाद हीरो बनते हैं लेकिन उस साल हाई पावर कमेटी बैठती है 1999 में 1999 में नेशनल कमेटी 2001 में गुजरात अर्थ को के बाद के जो भी डिसास्टर आता है उनको प्लान किया जाए उनको मिटिगेट किया जाए मिटिगेट क्या होता है मुसीबत में हेल्प करना उसे कहते हैं मिटीगेट और टूठो टू थाउजेंड फोर में सुनामी आई सुनामी आई टू थाउजेंड फोर में तमिलनाडु कोस्ट पे वहां पे लोग घूमने गए टूरिस्ट थे ज्यादातर ठीक है वो बीच पे पूरे अपने नज़ारे ले रहे थे बीच पे बैठ के ठीक है कोई कुछ खा रहा था कोई नहा रहा था बीच में ठीक है कोई सेल्फियां ले रहे थे एकदम से लहरें आई बहुत स्पीड से मतलब उनकी स्पीड सी साढ़े तीन सौ किलोमीटर प्रति घंटा ठीक है चार हजार लोगों को उठाकर अंदर ले गई समुन्दर में वो अभी तक नहीं मिले ठीक है तो आप कहीं भी जाए थोड़ा आप ध्यान से रहें वहां पे ठीक है इधर उधर मत देखें ठीक है कई बार आप इधर उधर ज्यादा देखते हैं ठीक है और आपको खतरा दिखाई नहीं देता ठीक है तो जिधर आप देखते हैं उधर भी खतरा ही होता है ठीक है आप ये मान के चलो जिधर आप देख रहे हैं उधर भी खतरा है तो कोई और खतरा शायद इन्विटेशन देने की जरूरत नहीं है ठीक है आप हंस क्यों रहे हैं भाई ठीक है आप सम, सारे समझदार बच्चे हैं ठीक है तो आप सेल्फी सुल्फी कम लें इधर उधर मत देखें चार हजार लोग एकदम मर गए समुन्द्र के बीच चले गए ठीक है तो मेरा आपसे क्वेश्चन है ये अर्थक्वेक और सुनामी में क्या फर्क है हाँ जी ये अर्थ को एक और सुनामी में क्या फर्क है मुझे आज तक नहीं समझ आएगा कैन यू टेल मी ये बिल्कुल सही आंसर आ रहा है परूल परूल और ये आकांक्षा सिंह ठीक है और रितिश पूजा विक्रम सभी के सही आंसर आ रहे हैं परूल खरन क्या नाम है इनका प्रूल चलो प्रूल खलखो ओके प्रूल खलको ग्रेट सिक्सर बाय प्रूल खलखों आप सभी जिसने भी आंसर दिया सबको बहुत बहुत ब्लेसिंग और मेरी तरफ से लड्डू मिलते हैं आपको और नाम प्रोनाउंस करना बड़ी दिक्कत आ रही है पारूल ठीक है पारूल चलो सिंपली कहें धरती जब हिलती है ठीक है तो अर्थ को एक होता है जब समुद्र के नीचे धरती हिलती है तो वो सुनामी होती है ठीक है तो जिसने भी सही आंसर दिया सबको बहुत बहुत ब्लैसिंग सोफिया की तरफ से और मेरी तरफ से लड्डू और खास करके एक दो बच्चों ने काफी आंसर सही दिया ये आकांक्षा सिंह और पुरूल का बिल्कुल सही आंसर है ठीक है और ये प्रूल का ग्रेट सिक्सर और कांक्षा सिंह कांक्षा सिंह देखो धरती के अंदर रोहित जी टॉनिक प्लेट्स है धरती के अंदर ठीक है जब वो एक दूसरे से स्ट्राइक करती है तो मैं सॉरी ज्योग्राफी नहीं पढ़ाऊंगा एक तो दो चीजें होती है जो एक दूसरे से टकराती है ठीक है मतलब एक दूसरी के नीचे एक एक नीचे चली जाती है एक दूसरी के नीचे चली जाती है ठीक है एक चीज दूर होती है दूर होती है तो फिर भी गड़बड़ है एक दूसरी के अंदर नीचे टकराती है तो फिर भी गड़बड़ है ठीक है तो नुकसान तो दोनों में ही है क्योंकि धरती धरती के अंदर दराड़ होगी त्रेड़ होगी ठीक है रेफ्ट होगी तो उससे जो अंदरली एनर्जी है जो इंटीरियर एनर्जी है बहुत ज्यादा वो बाहर आएगी ठीक है <coughs> आप मेरी बात समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे ठीक है मान लो किसी चीज़... आप आपने चाय धरी है मान लो गैस पे ठीक है वो चाय बन रही है ऊपर ऊपर बॉइलिंग वाटर पाफ चल रही है ऊपर से ठीक है तो आप उस पर कोई एक कपड़ा लेके उसपे एक कपड़ा डाल देते हो ठीक है आप कपड़ा खींचेंगे दोनों तरफ तो फट जाएगा फिर भी बाफ बाहर आएगी ठीक है मान लो आप दो वहां पे कोई चीजें लगा देते हो एक दूसरी के ऊपर नीचे ठीक है तो जब वो साइड पे होगी फिर भी बाफ आएगी ऊपर ठीक है तो अंदरली एनर्जी तो बाहर आनी है चाहे वो एक दूसरी से दूर हो चाहे एक दूसरी से टकराए ये इसका चक्कर है हाँ जी ये चीज समझ आई आपको हाँ जी प्लेट एटोनिक थ्योरीज है ये प्लेट्स है एक दूसरी से टकराती है ठीक है धरती के अंदर जो कोर है पहले वाले एरिया को क्रस्ट कहते हैं जिसपे हम हम जिसपे हम रहते हैं वो क्रस्ट है फिर उसके बाद मेंटल होता है फिर उसके बाद कोर होती है कोर में अप्रोक्सीमेटली फाइव थाउजेंड से भी ज्यादा टेम्परेचर होता है ठीक है मोर देन फाइव थाउजेंड टेम्परेचर होता है वहां पे बहुत लिक्विड चीजें हैं मतलब जैसे बड़े बड़े पहाड़ तैर रहे हैं ठीक है थीके? तो बहुत बड़े बड़े पहाड़ होते हैं मतलब वो तैर रहे हैं लिक्विड चीज है वहां पे एनर्जी बहुत ज्यादा है मतलब ठीक है वो सारी चीज ऊपरली परत जब फटेगी तो वो चीज बाहर आएगी एनर्जी सारी ठीक है तो सारी धरती टाइटोनिक प्लेट्स है ठीक है तो ये उसमें पंचर है पंचर जैसे कोई मोरी हो जाती है मतलब होल हो जाता है मतलब ऐसे टाइप पंचर है ये ठीक है ज्वालामुखी भी इससे ही फटते हैं आप सही कह रहे हैं ठीक है हाँ जी तो जो आपने रेंग ऑफ फायर सुना है किसी ने रेंग ऑफ फायर हाँ जी जो जापान देश है वहां पे अर्थक्वैक क्यों आते हैं क्योंकि वो रेंगो फायर के ऊपर है ये पैसिफिक पैसिफिक का एरिया है है ठीक में ये पूरी ये पूरी धरती पंचर पूरी लाइन है यहाँ पे दुनिया के सबसे ज्यादा सुनामी और ये अर्थक्वैक मतलब यहीं पे आते हैं ठीक है तो पैसिफिक एरिया ठीक है, है तो कहते किसी के अंदर गुस्सा हो ठीक है तो उसे बाहर आने दो किसी के अंदर दुख हो तो वो बाहर आने दो उसके बाद आदमी शांत हो जाता है बहुत शांत हो जाता है ठीक है जब कोई लड़े ठीक है उसको हटाओ ना ठीक है उनको को और लड़ो ठीक है और रडो अपना गुस्सा ठंडा करो जोर जोर से गाली निकालो एक दूसरे को ठीक है जोर जोर से बोलने दो से उसके को कोई चीकर चीके मारे चीके ठीक है जितनी चीख सकते हो चीखो चलाओ एक दूसरे पे ठीक है वो मान लो थपड़े चांटे से लड़ रहे हैं ठीक है उनको ईटे फड़ाओ कि इससे बात नहीं बनती आप ये लो ये मारो एक दूसरे के सिर में ठीक है फिर नहीं बनती कोई बूट अपना लाके फड़ाओ अपना शूज लाके फड़ाओ कि ये मारो एक दूसरे से ठीक है तो लड़ने के बाद वो रिलैक्स हो जाएंगे ठीक है जो कोई रोता है तो रोने दो उसे ठीक है उसे चुप ना कराओ आप चुप कराएंगे तो वो ज्यादा रोएगा तो जहां तो उसे ज्यादा रोवाने के लिए चुप कराओ उसे करो चुप चुप आप चुप करो प्लीज रो मत ठीक है नहीं, मैं कोई गलत तो नहीं कह रहा मैं आई एम वेरी सॉरी हर इंसान की अलग अलग थ्योरी है मैं गलत तो नहीं कह रहा चलो मेरा एक क्वेश्चन है ये क्वेश्चन रहना चाहिए सही है ये थ्योरी ऑफ पीस हां जी मेरा एक क्वेश्चन है वो मिस ना हो जाए स्किप ना हो जाए जो 2004 में हमारे देश में सुनामी आई थी तमिलनाडु में उसका क्या कारण था उसका एग्जैक्ट रीजन क्या था कि सुनामी ने इतना लॉस दिया हमें ठीक है उसका कारण क्या था भाई सुनामी आने का कारण पूछ रहा हूं मैं सुनामी और अर्थ को एक में तो कोई फर्क नहीं है कारण पूछ रहा हूँ क्यों आई सुनामी क्या उसे कोई कार्ड दिया गया था इनविटेशन कार्ड दिया गया था उसे ठीक है जानको जापान से बुलाया गया था हमारे प्राइम मिनिस्टर लेके आए थे उन्हें क्यों आई सुनामी 2004 में मेक इन इंडिया वेरी गुड आज कोई सिक्सर नहीं चलो मैं बताता हूं नहीं जिसने भी आंसर दिया सभी का गलत है सभी के लड्डू वापस नो गलत सभी के लड्डू वापस चलो एक प्लांट्स होते हैं उसे कहते हैं है मैनग्रूव ठीक है खारे पानी समुद्र में ओशन में होते हैं ये मैनग्रुव सुंदरबन डेल्टा सुना होगा आपने जितने भी वहां प्लांट वहां ट्री पाए जाते हैं प्लांट पाए जाते हैं वो मैनग्रुव है तो ये तमिलनाडु कोस्ट पे भी मैनग्रुव थे मतलब ये क्या काट दिए गए मतलब लकड़ी के लिए इन्हें इन्हें काट दिया गया तो जब भी लहरें आती हैं जो समुन्दर में मान लो कोई दरख्त है तो उनकी स्पीड को कम कर देते हैं ठीक है तो ये कई किलोमीटर तक ये मैनग्रुव थे कोस्ट पे ठीक है तो ये कटवा दिए गए सारे मैनग्रुव जब एकदम मतलब सुनामी आई तो मैनग्रुव ना होने की वजह से उनकी स्पीड कम नहीं हुई ठीक है इससे बहुत ज्यादा लॉस हो गया तो ये बहुत बड़ा कारण था आई एम वेरी सॉरी ये एनवायरमेंट का पार्ट है पॉलिटी का पार्ट नहीं है ठीक है पर मुझे ये चीज समझाने के लिए आपको कराना पड़ा तो ये 2005 में डिसास्टर मैनेजमेंट एक्ट पास किया ये हमारी सरकार ने पास किया ठीक है तो जितने भी अच्छे काम किए वो हमारी सरकार ने किए आप सबको पता ही है 2005 में एक्ट पास हुआ ये कहते कि क्रिएशन ऑफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एनडीएमए बनाई गई टू स्पीय हेड एंड एम्प्लीमेंट हिलोस्टिक एंड इंटीग्रेटेड अप्रोच टू द डिजास्टर मैनेजमेंट इन द कंट्री तो एनडीएमए बनाया गया डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाई गई ठीक है तो हाँ जी तो एनडीए बनाई गई डिस्ट नैशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कहते हैं इसका एक चेयरपर्सन होता है और अदर मेंबर होते हैं और नौ से ज्यादा नहीं होंगे सारे मेंबर नौ से ज्यादा नहीं होंगे प्राइम मिनिस्टर इसका चेयरपर्सन होता है एक्स होता है मतलब तो जो भी प्राइम मिनिस्टर होगा वो एनडीएमए का चेयरमैन होगा और मेंबर मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं चेयरपर्सन द्वारा मतलब प्राइम मिनिस्टर उसे नॉमिनेट करेगा द चेयरपर्सन ऑफ एनडीएमेटेड वन ऑफ द मेंबर ऑफ द वाइस चेयरपर्सन ऑफ द एनडीएमए ठीक है तो मोदी जी क्या करेंगे एनडीएमए के मेम्बरों में एक को वाइस चेयरमैन बनाएंगे और जो वाइस चेयरमैन बनेगा वो कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक होगा उसके पास ठीक है ये डिसास्टर को कंट्रोल करने के लिए कोई भी डिजास्टर है उनको कंट्रोल करने के लिए ये एनडीएमए कमेटी काम करेगी और ये एडमिनिस्ट्रेशन इन, इनका सारा वो होम मिनिस्ट्री के अंडर होता है ठीक है तो मेरा आपसे क्वेश्चन है क्या कोरोना भी डिसास्टर है क्या कोरोना भी एक डिसास्टर है बाकी सभी नो कह रहे हैं कोई यस कह रहा है ठीक है तो इसका आंसर क्या आएगा यस 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 कोरोना भी एक क्या है डिसास्टर मैनेजमेंट है सॉरी डिसास्टर है आपकी जानकारी के लिए बता दें डिसास्टर में क्या क्या आता है अर्थक्वेक आता है सुनामी आती है ड्राउट आता है ठीक है ड्राउट आपको मिलेगा फ्लड्स मिलेंगे आपको जैसा भी कैसा कोई नुकसान होता है कोरोना ये वायरस डिजीज होगी जितनी भी डिजीज होगी ये भी एक डिसास्टर है ठीक है तो देश में कोई भी ऑफिस आती है ठीक है मान लो मैन मेड को छोड़ के कुदरती कोई भी आफत आती है ठीक है कोई भी मुसीबत आती है डिजास्टर आता है ठीक है तो वो डिजास्टर मैनेजमेंट के अंडर आएगा ठीक है लॉकडाउन है आपने हाँ जी लॉकडाउन है आपने ठीक है तो ये भी इसके अंदर है ये डिसास्टर के अंडर है ये भी ठीक है हाँ जी क्लियर है ये वायरस मैन मेड है ये देखो ये नॉट प्रूड बिल्कुल सही कह रहे हैं अभी तक पता नहीं लगा कि ये मैन मेड है देखो आफ्ता तो आफ्ता है लोग मुसीबत में है तो वो डिजास्टर है आप आप बात समझने की कोशिश करे चाहे वो मैन मेड हो चाहे वो एक्ट ऑफ गॉड हो ठीक है तो ये तो आफ्ता तो आफ्ता ही है मुसीबत तो मुसीबत ही है ठीक है एक एक आपता आपने और सुनी होगी एक टिड्डी दल ने अटैक कर दिया था पाकिस्तान से आपको पता होगा लोकस्टस अटैक हाँ जी सुना है आपने वो वो भी एक आफ्ता है ठीक है ठीक है उसके लिए कहते थाली बजाओ ठीक है फिर थाली बजाने के बाद फिर ताली बजाओ आप कहें तो थाली बजाएंगे थाली बजाई आप कहें तो ताली बजाओ ताली बजाए ठीक है तो ये वायरस भाग जाते हैं कहते ठीक है कोरोना को सॉन्ग सुनाओ मोहम्मद रफी का सुनाओ लता मंगेशकर का सुनाओ ठीक है साथ में दीपक जलाओ ठीक है तो उनको ऐसे ना कहो कि आप दफा हो जाओ ठीक है ये वैर्स को बोलो कि हम आपको बहुत प्यार करते हैं, ठीक है तो वो भाग जाएगा हाँ जी कहते ऑब्जेक्टिव क्या है एन ND, का प्रिवेंशन प्रिपार्डनेस देखो बचाना है हमने तैयारी करनी है एक इन्होंने वर्ड लिखा है रेजिलेंस रेजिलेंस होता है रिकवर रिकवरी करनी जल्दी से जल्दी नॉलेज के थ्रू इनोवेशन के थ्रू एजुकेशन के थ्रू हाँ जी रिकवरी कैसे होती है कि जैसे मान लो मान लो एक गली में बिजली के खंबे गिर गए ठीक है मान लो दरख्त गिर गए तो रेजिलेंस क्या होगा ठीक है कि जल्दी से जल्दी जो लोग नीचे दब गए उनके घर घर पे गिर गए वो ठीक है उनको बाहर निकालो ठीक है आपने रिकवरी करनी है मान लो कोई फ्लड्स आ गए कोई मर रहा है ठीक है जल्दी से जल्दी आपने उनको सुरक्षित जगह पे पहचान पहुंचाना है ठीक है तो ये रेजिलेंस है हाँ जी आपने इनक्रेज करना है मिटिगेशन मेशर्स को ठीक है मिटिगेशन क्या होता है किसी को मुसीबत से आराम देना होता है टेक्नोलॉजी बेस पे विजडम पे एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी पे ठीक है मेन स्ट्रीम डिसास्टर मैनेजमेंट इनटू डेवलपमेंट प्लानिंग प्रोसेस डिसास्टर मैनेजमेंट को आपने प्लानिंग में लेके आना है इंस्टीट्यूशन टेक्नोलॉजी फ्रेमवर्क करना है ठीक है एनवायरमेंट को क्रिएट करने के लिए रेगुलेटर करने के लिए एनवायरमेंट को एफिशिएंसी मैकेनिज्म यूज करना है असेसमेंट करना है मॉनिटर करना है कि रिस्क कितना है ठीक है तो ये सारे पॉइंट आप याद करने तक कर लो लेकिन सिंपल सी बातें हैं टू डेवलप कंटेप्रेरी फोरकास्टिंग ठीक है ये चीज मैं आपको एक बताना चाहता हूं हर चीज की फोरकास्ट हो जाती है साइक्लोन साइक्लोन सुना होगा आपने क्या आप नाम बता सकते हो कुछ दिन पहले बे बंगाल में एक साइक्लोन आया ठीक है चक्रवर्ती तूफान कहते हैं इसे पंजाबी हिंदी में ठीक है साइक्लोन सुना आपने क्या नाम था साइक्लोन ये टाइफून यूएसए में कहते हैं यहां नहीं कहते यहाँ तो साइक्लोन कहते हैं क्या नाम था साइक्लोन का हुड हुड और था कोई नाम निवार बिल्कुल सही कह रहे हैं आप निवार ठीक है तो ये भी एक डिसास्टर है ठीक है इनकी फोरकास्टिंग हो जाती है जब भी कोई साइक्लोन आएगा हम इनकी फोरकास्टिंग कर सकते हैं कि ये इतने बजे आएगा इतने समय आएगा लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अर्थ को एक फोरकास्ट नहीं होता ठीक है आपको एक हसी वाली बात बताते हैं मेरा दोस्त एक एडवोकेट है ठीक है तो एक दो साल पहले उनका मैसेज आया कि ठीक है कि आज रात अर्थ को आने वाला है ठीक है कहते रात को दो बजे अर्थ को एक आएगा कि आप अपने परिवार और अपनी सुरक्षित के लिए बाहर बैठ जाएं ठीक है तो मुझे बहुत हंसी आई इस बात पे मैं कह आपने तो अकेला लॉ पढ़ा मैंने तो ज्योग्राफी भी पढ़ी है ठीक है अर्थ को एक की फोरकास्टिंग नहीं होती ठीक है कहते दुनिया का सबसे बड़ा झूठ क्या है सबसे बड़ा दुनिया का गप क्या है कहते जब वाइफ कहे कि मैं अपने हसबैंड से पूछकर बताऊंगी दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा गप क्या है कि जब हसबैंड कहे कि मैं अपनी वाइफ से नहीं डरता दुनिया का तीसरा बड़ा गप कौन सा है के कोई कहे कि आज रात को अर्थकोक आएगा ये दुनिया का सबसे बड़ा तीसरा गप है ठीक है तो भैया इनकी फोरकास्टिंग तो होती नहीं है आप आप कौन से साइंटिस्ट हैं है आपको पता है कि रात को दो बजे अर्थकोक आएगा ठीक है इनकी वेव्स होती है मैं ज्योग्राफी नहीं पढ़ाऊंगा आई एम वेरी सॉरी इसकी वेव्स होती है ठीक है उसे प्राइमरी वेव्स होती हैं, पी वेव्स होती हैं, उनको पता ही नहीं लगता कब आ गई ठीक है तो मौत के बाद ही पता चल चलेगा कि तो किलोमीटर नीचे चला गया, ठीक है? डॉग को पता लग जाता है ये चीज सही है लेकिन साइंटिस्ट को नहीं पता लगता कोई ऐसी मशीन नहीं बनी आप फोरकास्टिंग नहीं होती है इसकी आप क्यों नहीं समझते आप फोरकास्टिंग नहीं होती ना दिन 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 पहले दो दिन पहले एक दिन पहले दो पहले घंटे नहीं पता लगता जब ये आएगा तब पता लगेगा ये चक्कर है स्मित जी ये चक्कर है जब आएगा तो इंसान को भी पता लग जाता है जब इसकी वेव्स थोड़ी होती है डॉग को पहले पता लगता है थोड़ा सा पहले पता एक दो मिनट पहले क्योंकि वो वेव्स को जल्दी फील कर जाता है आप सही कह रहे हैं गलत नहीं कह रहे हैं। लेकिन मैं ये चीज कहना चाहता हूं कि जब यह आता है अर्थ को एक तब पता चलता है पहले नहीं पता चलता ये चीज है यह साइंस भी आज तक किसको खोज नहीं पाई इस चीज को ठीक है एफिशिएंस रिस्पॉन्स देना है रिलीफ देना है हाँ जी प्रोएक्टिव पार्टनरशिप विद मीडिया फॉर डिसास्टर मैनेजमेंट मीडिया ने अच्छा काम करना है ठीक है ऐसा नहीं है कि मीडिया वो दिखाता रहे ठीक है नेगेटिविटी दिखाता रहे पॉजिटिविटी ना दिखाए ठीक है इधर कोई ड्राउट में मान लो कोई फ्लड्स में डूब रहे हैं लोग उनको कुछ एनडीआरएफ के जवान बचा रहे हैं ठीक है तो वो दिखाएं ठीक है जो डूब के मर रहे हैं उनको ना दिखाएं ठीक है अच्छी न्यूज दें पॉजिटिविटी न्यूज दें ठीक है तो कहते इस पे जोक भी बना एक कहते कोई वेल में गिर गया खुए में गिर गया खूह में तो वहां पे एक पत्रकार आया वो दिखाने लगे ला अपना लाइव टेल के ये देखो सबसे बड़ी खबर आ रही है एक आदमी खूह में गिर गिरा है देखो बहुत देर से गिरा है इनको सांस में तकलीफ हो रही है इनको बहुत दिक्कत आ रही है ये हम क्लोज करके दिखाते हैं आपको खुए में ये कैसे दिख रहा है आदमी ठीक है बहुत परेशान है बेचारा ये दो घंटे से खूह में ये लटक रहा है मर रहा है ठीक है देखो ये खुए, को कोई को, 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 सरकार इस पे कोई प्रोटेक्शन कोई नहीं करती इस पे कोई कवर नहीं डाला जाता कुछ नहीं किया जाता वो पूरा लेक्चर दे रहा है जी लाइव टेलीकास्ट करके ठीक है वो जो बेचारा खूह में गिरा है वो कहता है भाई मुझे बाहर निकालो कहता है ये मेरा काम नहीं है मुझे मुझे न्यूज देने दो ठीक है हाँ जी तो ये मीडिया का भी अच्छा रोल होना चाहिए एनडीएमए क्या काम करती है पॉलिसी बनाती है डिसास्टर पे ठीक है पॉलिसी बनाएगी जब डिसास्टर आएगा तो हम कैसे उसको डील करेंगे नेशनल प्लान बनाती है ठीक है और ये जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है ठीक है उनके कुछ प्लान होते हैं उनको अप्रूव करती है तो ये कुछ गाइडलाइन देती है जो स्टेट वाले हैं उनकी भी स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनी हुई है वो उनको गाइडलाइन करती है कि आप कैसे करेंगे गाइडलाइन सभी मिनिस्ट्री के लिए जारी करती है कोऑर्डिनेशन करती है और पॉलिसी और प्लान में ठीक है सपोर्ट देती है अदर कंट्रीज को जो फैक्ट होते हैं ठीक है चलो मेरा आपसे क्वेश्चन है एक हमारे पड़ोसी मुल्क की हमने हेल्प की है मतलब बहुत ज्यादा Uh, किसी डिसास्टर में वो क्या हेल्प है किस हमने पड़ोसी मुल्क की है नेपाल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप नेपाल मेडिसन जब अर्थ को एक था 2018 में ये बिल्कुल सही बता रहे हैं ये ग्रेट सिक्सर बाय श्रुति शिवम एंड ये क्या नाम है सुमनप्रीत रतेश ठीक है सभी के सही आंसर है और आप सभी को सभी के नाम नहीं लूंगा आई एम वेरी सॉरी तो आप सभी को बहुत बहुत प्लेसिंग और मेरी तरफ से लड्डू मिलते हैं आप सबको चलो नेपाल के अलावा हमने और भी किसी की हेल्प की है डिसास्टर में श्रीलंका में क्या हेल्प की है मैं पड़ोसी मुल्क कह रहा हूं भाई पड़ोसी मुल्क की बात कर रहा हूं मैं क्या हेल्प की है बांग्लादेश की किस काम में बताए तो बताओ तो सही ओके फ्लड मैनेजमेंट में सुमनप्रीत कौर ये ग्रेट सिक्स बाय सुमन फ्लड मैनेजमेंट आप सबको बहुत बहुत ब्लेसिंग और मेरी तरफ से लड्डो तो फ्लड से हम पाकिस्तान की भी हेल्प की है हमने बांग्लादेश की भी बहुत बार हेल्प की है ठीक है देखो बांग्लादेश की स, तरफ हमारा डैम है फराका डैम तो इधर पाकिस्तान की तरफ कौन सा डैम है पाखड़ा डैम है बाकी और जम्मू कश्मीर में भी कुछ सलाब प्रोजेक्ट लगे हुए हैं ठीक है तो जब हमारे पास पानी ज्यादा हो जाता है इंडिया में बारिश बूश ज्यादा आती है तो हम गेट उठा देते हैं वो पानी उधर जाके फ्लड कॉज करता है नहीं नहीं सॉरी जब हमारे पड़ोसी मुल्कों को पानी की दिक्कत होती है उन्हें पानी चाहिए तो हम इधर से पानी छोड़ देते हैं जो हमारे पास एक्स्ट्रा पानी होता है ठीक है हाँ जी तो हम हमारे पड़ोसी मुल्क की हेल्प भी करते हैं काफी ठीक है डैम के जरिए हम ठीक है तो आप समझदार बच्चे हैं समझने की कोशिश करो ठीक है तो हाँ जी तो और हमने किस पड़ोसी मुल्क की हेल्प की है अरे केरला पड़ोसी मुल्क है फूटान की कोई हेल्प नहीं की हमने ना चाइना है ना पाकिस्तान है चलो मालदीप है सुना है कैपिटल माले करंसी का नाम ठीक है वहां पे कुछ 2018 और 19 में वहां पे पानी की बहुत कमी आ गई थी मालदीप में ठीक है आप समझो कि आपको पानी ना मिले तो क्या होगा आप फील कर सकते हो पानी ना मिले और जो पानी है वो सृष्टि में खत्म हो रहा है पानी ये रियलिटी है पानी खत्म हो रहा है पानी का मिसयूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है ठीक है मेरी घर में इंस्ट्रक्शन है कि पानी कम से कम यूज किया जाए ठीक है नहाना है तो एक एक बाल्टी से नहाएं एक बकेट से नहाएं एक से ज़्यादा यूज ना करें ब्रश करते वक्त पानी को खुला ना छोड़ें जब आपने पानी यूज करना तब ही छोड़ें नहीं तो वो ऑन ना करें आप अपनी जितनी भी जितने भी आपके नल के हैं नल हैं उनको ऑन ना करें आप ठीक है तो पानी खत्म हो गया था मालदीप में ठीक है तो देखो इतनी दिक्कत आएगी पानी की फिर तो बहुत चक्कर बनेगा ठीक है बहुत चक्कर पड़ेगा हम भी हमारे भी स्टाइल चेंज हो जाएंगे ठीक है हम भी आपसे कहेंगे कि चलो फीस रहने दो हमें पानी की बोतल दे देना एक ठीक है चलो कोई बात नहीं है फीस नहीं लेंगे आपसे ठीक है तो अब तो कहते हैं कि जब भी मिले चलो आपको लड्डू खिलाएंगे ठीक है फिर कहेंगे चलो चलो जब भी मिले मैं आपको लड्डू खिलाऊंगा आप मेरे लिए पानी लाना ठीक है तो पानी इंडियन गवर्नमेंट ने काफी पानी वहां पे जहाज में भेजा आप सोचो जहाज में जाकर पानी का रेट क्या होगा आप सुनो लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट इंडिया ने ये पानी सप्लाई किया चलो कोई बात नहीं है बारिश हो जाए कोई दिक्कत नहीं है अरे भाई बियर थोड़ी पिलाओगे हैं कमाल करते हो फिर तो आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाते हैं फिर तो यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा देंगे आपको बी आर पी के तो ठीक है सिलेबस उल्टा चलेगा चलो सोचेंगे कोई बात नहीं है चलो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन तो बहुत लेंथी है ठीक है अमेरिका का तो है ही बहुत छोटा सा ठीक है ठीक है सात तो आर्टिकल है सारे पानी मांगा तो पानी देना पड़ेगा बियर नहीं नहीं आप ये कहो कि सर हम यूज ये ऐसे करेंगे कि ऐसी नौबत नहीं आएगी आपको जवाब नहीं आता आप इंटरव्यू में क्या करेंगे ठीक है डेली वाले बेचारे री यूज करते हैं ठीक है डेली वालों को पूछो क्या हाल है उनका पानी से स्मेल आती है मजबूरी से कर रहे हैं कई लोग तो वही यूज हाँ जी क्लियर है ये हाँ जी बाइबल सेज वाटर एंड हो एंड होएगा ये एंड हो जाएगा ओके एंड हो जाएगा हाँ बिल्कुल सही है बाइबल में ये लिखा है कि एक दिन ऐसा आएगा कि सारी सृष्टि ये कायनात ये खत्म हो जाएगी ठीक है और बाइबल में ये भी लिखा है कि बहुत लड़ाइयां होंगी किसी दिन ठीक है बहुत वॉर होगी ठीक है तो मतलब यहां बहुत स्थिति है बहुत खतरनाक होगी ठीक है बाइबल में ये लिखा है और ऐसा हो रहा है ऐसा हो रहा है बाइबल के अकॉर्डिंग हो रहा है कैसे हो रहा है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई सेकंड वर्ल्ड वार हुई ठीक है थर्ड वर्ल्ड वार हो रही है ये सीधी वॉर नहीं है इंडरेक्ट वॉर है ये ठीक है डिस्ट्रक्शन बिल्कुल सही कह रहे हैं आप डिस्ट्रक्शन तो जैसा बाइबल में लिखा है वैसा हो रहा है अज्ञानता है लोगों की ठीक है पाप इतने ज्यादा हैं ठीक है तो देखो गॉड उनका काम है ये ठीक है इंटेलिजेंस इंटेलिजेंसी भी उन्होंने पैदा की है तो ये दिमाग भी ऐसी बुद्धि भी ये बाय गॉड्स ग्रेस ही मिल सकती है ठीक है ये जूज लोक भी इनकी प्रोडक्शन है इतने जो शार्प माइंडेड है दुनिया के सबसे ज्यादा जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो ज्यूज लोग हैं ठीक है क्रिश्चियनिटी में तो लोग पढ़े लिखे हैं ही नो डाउट ज्यूज लोग भी बहुत टेक्नोलॉजी में पूरी दुनिया पे कब्जा है उनका हिटलर ने मारा था उन, उनके परिवार को खत्म किया ठीक है पंजाब में इंडिया में क्या मौला है आपसे कोई कोई आपके साथ दुर्व्यहार करता है तो वो तो बापू वाली बात तो नहीं है कि आपकी एक चांटा मारो कोई आप दूसरी गाल भी आगे कर दो ठीक है तो वो तो थ्योरी गई अब ठीक है पंजाब में इंडिया में जब भी कोई किसी के साथ कोई इनजस्टिस करता है ठीक है उनकी मां कहती है कि ये बेटा बदला लेना है तो तेरे बाप को मारा था इन लोगों ने ठीक है जैसे हिंदी मूवीज में दिखाते हैं ठीक है लेकिन जीव में क्या था कि उनकी मदर ने कहा कि आपने बदला नहीं लेना आपने बुक्स पढ़नी है आप इतना पढ़ो कि दुनिया आपका मुकाबला ना कर सके जो ज्यूस बच्चे थे उनको उनकी मदर्स ने कहा ठीक है तो उन्होंने कोई बदला नहीं लिया जर्मन लोगों से हिटलर से ठीक है वो इतना पढ़े कि सारी सृष्टि में फैल गए सभी इन्वेंशन उन्होंने की ठीक है सभी इन्वेंशन्स की पूरी अमेरिका में पूरी दुनिया में उनका कब्जा है हाँ जी तो ऑडिशन फंक्शन क्या है इट रिकमेंड्स गाइडलाइंस फॉर मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ रिलीफ टू प्रोवाइडेड टू द पर्सन अफेक्टेड बाय डिजास्टर उनको रिलीफ देना है मैग्नीट्यूड रिलीफ कितना का है पेमेंट लोन प्रदान करना है उन्हें और जर्नल सुपरटेंडेंस डायरेक्शंस कंट्रोल ऑफ एनडीआरएफ ठीक है एनडीआरएफ एक जवान है नेशनल डिसास्टर रिस्पॉन्स फोर्स है जिनको ट्रेनिंग दी जाती है पूरी डिसास्टर की ये रेस्क्यू ऑपरेशन करता है एनडीआरएफ ठीक है आप ये आपने सुना होगा ये बद्रीनाथ केदारनाथ उत्तराखंड में बहुत बड़ा एक लैंड एक स्लाइडिंग हुई थी उत्तराखंड में पता होगा आप सबको ये 2013 में हुई थी थिंक लैंड स्लाइडिंग उत्तराखंड में जी पहाड़ पूरे पहाड़ के पहाड़ खिसक गए थे थी। ठीक है वहां पे भी एनडीआरएफ ने काम किया ये नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स है ये जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्स है वहां से जवान लिए जाते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है ठीक है तो ये ऑथराइज करती है कंसर्न कर डिपार्टमेंट को कि वो इमरजेंसी अरेंजमेंट करे ठीक है और एनुअल रिपोर्ट है जो अपनी वो सेंट्रल गवर्नमेंट को सौंपती है और सेंट्रल गवर्नमेंट इसको पार्लियामेंट के सामने रखता है तो ये टॉपिक खत्म हो गया और आ गया स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी तो जो हमने सेंटर के काम पड़े किए हैं तो यही स्टेट वाले हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये मैं ये कराना चाहिए क्योंकि ये डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी टू लेवल पे बनी है सेंटर लेवल पे और स्टेट लेवल पे जो इनके फंक्शन है ठीक है वो सेम है कोई फंक्शन में फर्क नहीं है हाँ जी क्लियर है आज का चैप्टर समझ आया जा नहीं आया चलो ठीक है बहुत है आज का काम ठीक है जी गुड नाइट गुड नाइट एवरीवन